हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस पर लाइक कर सकते हो, और अगर आपको मेरे प्रैक्टिकल्स को लेके कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हो। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग को किस तरह से कॉन्फिगर किया जाता है। यह हमारा टोपोलॉजी है, इसमें मैंने आईपी एड्रेस पहले से दे करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए मैं आपको मुंबई के राउटर का रूट जब रूट दिखाऊंगा, ओके, जब मैं आपको मुंबई के राउटर का रूट दिखाऊंगा तो उधर पे सिर्फ उसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का रूट ही दिखेगा, जैसे कि 10 और 40 का। तो यहाँ पर मैं इसको रूट दूंगा, स्टैटिक रूट। तो सबसे पहला चीज करना है आपको ग्लोबल कॉन्फिग मोड में आना है। तो कॉन्फिग मोड में आने के बाद अब ध्यान से देखना, मुंबई के राउटर को अगर कहीं पर भी जाना है तो उसके पास में एक ही एग्जिट पॉइंट है 40.0.0.2। तो मुझे तीन रूट नहीं देना पड़ेगा कि भाई 20 पे जाना है तो इसके थ्रू जा, 50 पे जाना है तो इसके थ्रू जा, या 30 पे जाना है तो इसके थ्रू जा। मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, बट मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट कब यूज की जाती है? जब आपके पास में सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है। तो अगर मेरे पास सिंगल एग्जिट पॉइंट है कि मुझे कहीं पे भी जाना है तो 40.0.0.2 के थ्रू ही जाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रूट दूंगा। अभी देखिए किस तरह से ली जाती है। ग्लोबल कॉन्फिग मोड में आके लिखना है आईपी रूट। अगर आपको 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस, तो एक मिनट, हाँ, 0.0.0.0 स्पेस 40.0.0.2। इसका मतलब है कि रूट दो। क्या रूट दो? अगर आपको किसी भी नेटवर्क पे जाना हो जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो तो आपके पास एक ही एग्जिट पॉइंट है 40.0.0.2, इसके थ्रू ही जाना और एंटर कर दोगे। मैं चाहता तो तीन रूट भी दे सकता था, जैसे कि मैं आपको गुजरात के राउटर में देकर दिखाऊंगा, वहां पे भी सिंगल एग्जिट पॉइंट है, तो वहां पर आपको मैं तीनों रूट भी देकर दिखाऊंगा। अब यहाँ दिल्ली का राउटर है, यहाँ सिंगल एग्जिट पॉइंट नहीं है, इसके पास में तीन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 40, 50 और 20। इसके पास में 10 और 30 का नेटवर्क नहीं है। अब इसके पास में 10 पे जाना है तो 40.0.0.1 के थ्रू जाएगा, 30 पे जाना है तो 50.0.0.2 के थ्रू जाएगा। मतलब इसके पास में डबल एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लोग डिफॉल्ट रूट नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको दो रूट देना ही पड़ेगा। देखिए मैं दिल्ली के राउटर पर गया, पहले मैं इसको होस्ट नेम दे देता हूँ, कॉन्फिग होस्ट नेम दिल्ली, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको डब मुझे इसको दो रूट देना पड़ेगा, यहाँ पर इसको दो रूट देना पड़ेगा मुझे, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आईपी रूट। अगर आपको 10.0.0.0 के नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, तो मैं मेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 40.0.0.1, एंटर। और मुझे और एक रूट देना पड़ेगा कि अगर मुझको 30 के नेटवर्क पर जाना है तो मेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 50.0.0.2, ओके। तो मुझे ऐसा दो रूट इधर पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि जो गुजरात का राउटर है इससे भी सिर्फ दो ही नेटवर्क कनेक्टेड है, 30 और 50, लेकिन इसको कहीं पे भी जाना है तो उसके पास एक ही एग्जिट पॉइंट है, 50.0.0.1, 50.0.0.1। अब मैं यहाँ चाहूँ तो डिफॉल्ट रूट भी दे सकता हूँ, तीनों भी दे सकता हूँ। मुंबई में मैंने आपको डिफॉल्ट रूट दे के दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको तीन रूट दे के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं CLI पे गया, सिंपल है बहुत। पहले इसको मैं होस्ट नेम दे देता हूँ, अनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम गुजरात, मैं दूंगा आईपी रूट, ओके। मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट रूट भी दे सकता हूँ, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0.0 स्पेस या 50.0.0.1। इसका मतलब अगर तुझे किसी भी नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क कुछ भी रहने दो तो पैकेट देगा 50.0.0.1, उसके लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर
तीन रूट देकर दिखाता हूँ। आईपी रूट, अगर मुझको 20.0.0.0 के नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, तो मैं, मेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 50.0.0.1, एंटर। और अगर मुझे 10 के नेटवर्क पे भी जाना है तो कमांड होगा 50.0.0.1, और अगर मुझे 40 के नेटवर्क पे भी जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप होगा 50.0.0.1। ऐसा तीन रूट में भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बेटर होगा कि आप लोग एक लाइन का जो डिफॉल्ट रूट था वही यूज करिए, ठीक है। अब इनके पास में रूट आ गई होगी। अब मैं आपको कमांड दिखाता हूँ, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। आपके पास में एक रूट है, अगर आपने डिफॉल्ट रूट दे के रखा होगा तो एस के ऊपर में स्टार बना होगा, ओके। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, जीरो मतलब एनी, तो स्टैटिक रूट का आईडी वैल्यू 1 होता है, आप वाया 40.0.0.2 के थ्रू जाओगे, ठीक है। लेकिन देखो दिल्ली के उसमें स्टैटिक रूट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें स्टार नहीं होगा, शो आईपी रूट, ये देखिए श्री वैस बना हुआ है, ओके, ये मैंने दी हुई रूट है। अब मैं यहाँ से यहाँ पिंग करूंगा तो होना चाहिए 10.0.0.1 से 30.0.0.2 को, एंड टू एंड सीधा पिंग 30.0.0.2, एंटर। ये देखिए पिंग हो गया, मतलब मैं कनेक्टेड हूं। 30.1 को भी करके दिखाता हूं, ये देखिए ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपका स्टैटिक राउटिंग जो है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक रूट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।